हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू होम कुक मधु। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पनीर बंजारा। ये रेसिपी लटपटी ग्रेवी वाली बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कढ़ाई को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है और उसमें अब मैं डाल दूंगी 2 चम्मच ऑयल और साथ ही साथ मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर जिसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है और अब उसे मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी। पनीर के पीसेस डालने के बाद इसमें ऊपर से जाएगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फ्रेंड्स, इस पनीर को हमें अलटते पलटते हुए लाइटली बस टॉस करना है, इसे रोस्ट नहीं करना है। मसाले पनीर पे अच्छे से कोट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम पनीर को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार उसी पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है ऑयल। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 साबुत लाल मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक के टुकड़े और साथ ही साथ 2 मीडियम साइज के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, इन्हें हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इन्हें सबको हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है। जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं, इसमें जाएंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप किए हुए, 8 से 10 काजू, इन्हें भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इसमें जाएगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, इन्हें भी सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। 2 मिनट टमाटर को अच्छे से गलाने के बाद इसमें जाएगा 1 कप गर्म पानी, इसे भी अच्छे से स्टर कर देंगे और इसे पानी सूखने तक ढक कर पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं हरे धनिया की डंठल डालनी भूल गई थी, हमें 2 चम्मच हरे धनिया की डंठल डालनी है, इसे भी अच्छे से मिक्स करके ढक कर पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को पकते हुए, पानी फ्रेंड्स सारा सूख चुका है। अब इसमें से तेज पत्ते को मैं रिमूव कर लूंगी और सारे मसाले को मैं ब्लेंडर जार में डाल दूंगी और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसे पीस लूंगी और फाइन ग्रेवी बना लूंगी। एक बार फिर से मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच ऑयल और 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, इसे फ्रेंड्स हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। तब तक कुक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें जाएंगे 1 बड़े साइज के टमाटर की टोमेटो प्यूरे, इसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून नमक, इन्हें भी कर देंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, अब टाइम आ गया है ग्रेवी नंबर 1 को इसमें मिलाने का। तो फ्रेंड्स, हम किसी स्ट्रेनर की हेल्प से अपनी ग्रेवी को इसमें मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम दोनों ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और उसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी और भी मिला सकते हैं। इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को पकते हुए, अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। फ्रेंड्स, इसकी जगह आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएंगे फ्रेंड्स हमारे मसाला कोटेड पनीर के पीसेस, अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी और 1 चम्मच फिर से घर की फ्रेश मलाई और इसे इसके बाद हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अपनी ग्रेवी को रिच और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ पनीर, इसे भी हल्के हाथों से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे।
अब जाएगी इसमें फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच चीनी। इसे भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हो गया हमारा लटपटी ग्रेवी वाला डिलीशियस पनीर बंजारा रेडी। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको गार्निश कर दिया है हरे धनिया के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल होम कुक मधु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।